गोहाना से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी का आज सुबह से ही जनसंपर्क अभियान जारी है। विधानसभा के गांव गांव जाकर जनता को अपनी पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का हर जगह बड़ा हुजूम मिल रहा है और ये दादागिरी के खिलाफ एक प्रतिशोध है। उन्होंने कहा कि 10% लोग 52% पर कब्जा करके बैठे हैं। 52% पिछड़ा वर्ग 10% में सिमटा हुआ सीमित पड़ा है। इसी भेदभाव के खिलाफ उनकी जंग है और वहीं खट्टर सरकार पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि आज भी मनोहर लाल खट्टर 8.5 लाख रुपए पेशी पर गुंडा टैक्स भरने का काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वोट पिछला वर्ग की लेते हैं और गले काटने का काम करते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जनता के पैसों से कोर्ट केस लड़े जा रहे हैं, ये जनता इस बात का जवाब मांगेगी। सभी पार्टियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बैकवर्ड लोगों का कोई भी वाली वारिस नहीं है, सभी इनको पैरों की जूती बनाकर मसलना चाहते हैं। जगबीर मलिक मौजूदा विधायक पर वार करते हुए कहा कि वे कई सालों से यहां विधायक रहे हैं, लेकिन गोहाना के हालात बहुत ही बदतर हैं। गोहाना सीट पर चुनाव लड़ने की बात पर कहा कि मैं जिन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं, वे खामोश और लाचार अब तक हैं, लेकिन अब जनता को अपना रास्ता दिखाई दे रहा है। गोहाना को जिला बनाकर रोजगार युक्त बनाने की पहली प्राथमिकता रहेगी। ये जो हुजूम है, ये दादागिरी के खिलाफ एक प्रतिशोध है। जिस प्रकार का माहौल प्रदेश के अंदर हुआ 2 साल पहले, आज भी उसके विशेषांक बाकी। मैं एक गांव में गया, वहाँ लोग ताला लगा करके चौपाल को बंद करके बैठ गए और गरीब तबके के लोगों को जो है ना वहाँ आने से धमका दिया गया। 10% लोग 55% पे कब्जा करे बैठे और 52% पिछड़ा वर्ग सिर्फ 10% के अंदर सीमित हुआ पड़ा और दलित समाज 23 के बदले 13 में निमटा बैठा। इस भेदभाव के खिलाफ एक जंग है और आज भी मनोहर लाल खट्टर 8.5 लाख रुपए हर पेशी के ऊपर गुंडा टैक्स भर रहा है। कि तुम आरक्षण के अंदर घुसते रहो, बड़े से बड़ा वकील करो, फीस मैं दूंगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति के विभाग से उनको 8.5 लाख रुपए पर पेशी, 2 करोड़ 65 लाख रुपए उनसे पहले दिए जा चुके हैं, जो बच्चों को वजीफे और वर्दियों को पैसे। वोटा तो लेता है बैकवर्ड की और काम करता है उनका गला काटने का। मनोहर लाल खट्टर जी आपसे पूछेंगे, ये जनता पूछेगी आपसे कि आप ये 8.5 लाख रुपए कोई कचहरी में जाता तो फीस अपनी लगाता है, उसको सरकारें फीस दे करके नहीं लड़ाती। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस गरीब तबके का, एस सी बी सी का कोई वाली वारिस नहीं। सब के सब इनको पाँव की जूती बना करके मसलना चाहते हैं, पाँव में ही रखना चाहते हैं। ये मुझे ना तीर्थ राणे का पता, ना जगबीर मलिक का पता। 16 साल से जगबीर मलिक यहाँ पर विधायक है। गोहाने का हालात आप देख सकते हैं, यहाँ गली गली टूटी पड़ी है, सड़क सड़क टूटी पड़ी है और भाषण देने के लिए कांग्रेस का अंदर जूतम बाजार हो रहा है। जो दलितों के चीफ को, जो कांग्रेस पार्टी प्रदेश प्रमुख का हुड्डा साहब के नेतृत्व में करने वाले लोग, जो उसका सिर फोड़ कर उसके ऊपर से पगड़ी उतार कर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, वो लोग इन गरीब से गरीब लोगों को कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये पता है कि मैं जिनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ वो बहुत खामोश और लाचार जैसे अब तक है, लेकिन अब उन्हें रास्ता दिखाई दे रहा है कि हमने क्या लाज करना है। मैं 1/2 में अकेला रहूँगा, यहाँ हजारों बच्चों का रोजगार सुनिश्चित करेंगे। मैंने 90 विधायक अलायंस पार्टियों के साथ मिलकर के खड़े कर रखे हैं। अगर उनमें 90 उम्मीदवारों में मेरे पास 50-46 अगर मेरे को मिल जाते हैं तो मैं 1 साल के अंदर अंदर नक्शा बदल के दिखाऊंगा।